लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल। यानी कि वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? राज्य में जो आईटी पेशेवर लौटकर आ रहे हैं उनको कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद करना, यही इस पोर्टल का उद्देश्य है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी। गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। तो किस राज्य ने कर्म भूमि पोर्टल लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। उद्देश्य क्या है? राज्य में जो आईटी पेशेवर लौटकर आ रहे हैं उनको कंपनियों में नौकरी दिलाने में मदद करना। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। सीएम है ममता बनर्जी और गवर्नर है जगदीप धनखड़। किस राज्य ने आईफ्रोज नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने आईफ्रोज नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य है मुंबई के लिए विशेष रूप से अत्यधिक वर्षा और चक्रवातों की प्रारंभिक सूचना प्रदान करना, यही इस आई फ्लोज नाम से जो डिवाइस है इसका उद्देश्य है। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और इसके मुख्यमंत्री हैं यानी सीएम उद्धव ठाकरे। और इसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो किस राज्य ने आईफ्लोज नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया है? महाराष्ट्र ने।
इसका उद्देश्य है मुंबई के लिए विशेष रूप से अत्यधिक वर्षा और चक्रवातों की प्रारंभिक सूचना प्रदान करना। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, इसके सीएम है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया गया? 14 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाया गया है और इसका उद्देश्य लोगों को सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना, यही इस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे का उद्देश्य है। और इस वर्ष की थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, मींस सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। और इसे मनाने की घोषणा WHO ने की थी। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनॉम। तो विश्व रक्तदान दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया गया है? 14 जून को। और उद्देश्य क्या है इसका? लोगों को सुरक्षित रक्तदान की आवश्यकता के बारे में जागरूक करना। और इस वर्ष की थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। और इसे मनाने की घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने की थी, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और अध्यक्ष है टेड्रोस एड्रेनॉम। और यूनिवर्सल ब्लड डोनर ग्रुप जो यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है वो होता है ओ ग्रुप। ये किसी भी ब्लड ग्रुप को डोनेट कर सकता है। ओके, कोरोना वायरस को रोकने के लिए किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? पंजाब।
पंजाब राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। और क्यों? यानी इसका उद्देश्य क्या है? घर घर निगरानी कर कोरोना मरीजों का शुरू में ही पता लगाना, क्योंकि घर घर जाकर अगर चेकिंग होगी तो इसे रोका जा सकता है। तो इसलिए पंजाब ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है। पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़ और मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर हैं विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। तो कोरोना वायरस को रोकने के लिए किस राज्य ने घर घर निगरानी ऐप लॉन्च किया है? पंजाब ने। और क्यों किया है? तो घर घर निगरानी कर कोरोना वायरस मरीजों का शुरू में ही पता लगाना। पंजाब, पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है कैप्टन अमरिंदर सिंह और गवर्नर है विजेंद्र पाल सिंह बदनौर। मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? शोभा शेखर। तो शोभा शेखर को मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है ये पुरस्कार। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया में मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार जो है वो समुदाय, वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और करेंसी है डॉलर। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन।
तो मेडल ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किस भारतीय संगीतकार को सम्मानित किया गया है? शोभा शेखर को। और ये पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में समुदाय, वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। किस राज्य सरकार ने फेस मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19 एंड यूवी स्पॉट डिवाइस विकसित किए हैं? केरल। तो केरल ने विन-19 और यूवी स्पॉट डिवाइस विकसित किए हैं किसके लिए? फेस मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19। ये इसे क्यों विकसित किया गया है? इस्तेमाल किए गए मास्क को इकट्ठा करने और उन्हें कीटाणु रहित करने के लिए विन-19 को विकसित किया गया है और यूवी स्पॉट, ये यूवी आधारित डिवाइस फेस मास्क को पुनः उपयोग में लाने के लिए विकसित किया गया है। तो इसको क्यों विकसित किया गया है? फेस मास्क को पुनः उपयोग में लाने के लिए। केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। तो किस राज्य सरकार ने फेस मास्क को डिस्पोज करने के लिए विन-19 और यूवी स्पॉट डिवाइस विकसित किए हैं? केरल ने। तो विन-19 क्यों विकसित किया गया है? इस्तेमाल किए गए फेस मास्क को इकट्ठा करने और उन्हें कीटाणु रहित करने के लिए, और यूवी स्पॉट को, ये यूवी आधारित डिवाइस है जिसे फेस मास्क को पुनः उपयोग में लाने के लिए विकसित किया गया है। केरल, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान।
कौन सा समुदाय पहला डिजिटल समुदाय बना है? NHAI। तो NHAI निर्माण क्षेत्र में पहला डिजिटल समुदाय बना है। NHAI ने UV आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिस्टिक प्लेटफॉर्म डाटा लेक खतरनाक कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉन्च किया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह सिंधु। तो कौन सा समुदाय पहला डिजिटल समुदाय बना है? NHAI। NHAI निर्माण क्षेत्र में पहला डिजिटल समुदाय बना है। इसने UV आधारित एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिस्टिक प्लेटफॉर्म डाटा लेक खतरनाक कोरोना वायरस से निपटने के लिए लॉन्च किया है और इसी वजह से ये डिजिटल बना है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1988 में हुई, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अध्यक्ष है सुखबीर सिंह सिंधु। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।